ओम शांति। वर्तमान समय जब आज चारों ओर वैश्विक संकट छाया हुआ है, महामारी फैली हुई है, तो अब यह प्रश्न उठ रहा है कि विश्व परिवर्तन कौन कर सकता है। तो एक आम आदमी की नज़र पड़ रही है समाज की तीन सत्ताओं के ऊपर, राजनैतिक सत्ता, विज्ञान सत्ता, धार्मिक सत्ता के ऊपर। लेकिन अगर आज इन तीनों की स्थिति देखी जाए तो तीनों बहुत ही हिल चुके हैं, फाउंडेशन हिल रहा है। तो सबसे पहले अगर बात करें राजनैतिक सत्ता की, तो राजनीति अर्थात राज्य कारोबार चलाने की नीति, सभी नीतियों की राजा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि यह नीतियां भ्रष्ट हो गई हैं, नियम कानून टूटते नजर आ रहे हैं। पैसा कमाने, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने का ही यह पर्याय बन चुका है। अब आता है विज्ञान सत्ता। तो विज्ञान ने आज हमें कई सुख के साधन प्रदान किए हैं और इन साधनों ने मनुष्य को गुलाम बना दिया है। मनुष्य आज इनके वशीभूत होकर अपाहिज बनता जा रहा है। आज संचार के इतने साधन हो गए हैं कि यह पूरी दुनिया सिमटकर एक छोटा सा गांव बन गया है, लेकिन दिलों की दूरी तो बढ़ती जा रही है। आज यदि हमारे कोई पड़ोसी बीमार होते हैं तो हम मोबाइल में ही उनका हालचाल पूछ लेते हैं। और धार्मिक सत्ता की अगर बात करें तो धर्म के तीन गुण होते हैं, शांति, प्रेम और अहिंसा। लेकिन आज इनके विपरीत देखा जा रहा है कि धर्म के नाम पर अशांति, वैर और हिंसा देखने में आ रही है। तो धर्म की जो शक्ति, जब इसकी स्थापना हुई थी तो इनके अंदर जो पवित्रता की शक्ति थी, धीरे धीरे आज यह शक्ति भी क्षीण नजर आ रही है। तो कलयुग का जो मुख्य लक्षण है वो भी यही दिखाया है, धर्म ग्लानी। तो अब व्यक्ति की नजर है आध्यात्मिक सत्ता की ओर, जो हम कहें सबसे ऊंची सत्ता है। तो इससे पूर्व हम आध्यात्मिकता की बात करें, स्पिरिचुअलिटी की बात करें, तो हमें यह जानना होगा कि स्पिरिचुअलिटी और धर्म, अध्यात्म और धर्म में क्या अंतर है। तो आध्यात्मिकता अर्थात आत्मा के मूल स्वभाव, संस्कार, गुण, जो कि हम कहें सभी को स्वीकार्य है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये सबको स्वीकार्य है क्योंकि ये सत्य है। जैसे उदाहरण के तौर पर आज आत्मा का गुण है शांति, प्रेम और पवित्रता, जो कि सबको स्वीकार्य है। लेकिन यदि हम हर एक को हिंदू बनाना चाहें या मुसलमान बनाना चाहें या ईसाई बनाना चाहें, तो यह हर एक को स्वीकार्य नहीं होगा। और दूसरी बात कि जब व्यक्ति हिंदू परिवार में जन्म लेता है तो हो सकता है जन्म बदलने के बाद उसका धर्म बदल जाए, उसके परिस्थितियों के अनुसार उसका धर्म परिवर्तित हो सकता है, लेकिन आत्मा अविनाशी है तो यह गुण भी अविनाशी है। आत्मा के गुण नहीं बदलते, चाहे वो दूसरा भी जन्म क्यों ना ले ले या फिर परिस्थितियां ही क्यों ना बदल जाए। तो इस तरह से आध्यात्मिकता का अर्थ है कि कोई भी कर्म करने से पूर्व अपने आत्मा का अधिक से अधिक अध्ययन कर लेना। हम कोई भी कर्म करते हैं तो हम इससे पूर्व अपनी चेकिंग कर लें कि इस कर्म को करने से पहले मेरी आत्मा के अंदर क्या भाव हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं। इस कर्म को करने के बाद मुझे दुआएं मिलने वाली हैं या मुझे बद्दुआ मिलने वाली है। हम थोड़े समय की वाहवाही लूटने में ही राजी ना हो जाए, हम ये सोचे कि मुझे सामने वाले का सिर नहीं, मुझे उनका दिल झुकाना है। तो इस तरह से आध्यात्मिक सत्ता ही वो शक्ति है, उसी के अंदर वो शक्ति है जो न ही केवल सबको मार्ग दिखा सकती है
लेकिन नियम मर्यादाओं पर चलने की वो शक्ति भी प्रदान कर सकती है। तो आध्यात्मिकता हमें कर्मों की गहन गति सिखाती है, जिससे हमारा कर्मों के ऊपर ध्यान होता है और हमारे कर्म भी श्रेष्ठ बनते हैं। तो इस तरह से भारत को हम यह कह सकते हैं कि भारत आध्यात्मिक गुरु था, और इसका खोया हुआ गौरव दिलाने के लिए स्वयं वो निराकार परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के अपना विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। कि आध्यात्मिकता जो कि आज हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जैसे कई बार हम कोई बात अपनी रखते हैं, सत्य बात भी, लेकिन वो सत्यता में सभ्यता नहीं होती है। लेकिन आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि जैसे हम कोई भी गिफ्ट को बहुत सुंदर पेपर गिफ्ट में पैक करके देते हैं तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। तो इस तरह से यदि हम अपने आप के जीवन को, सत्यता को भी अगर सभ्यता से व्यक्त करें तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। तो वर्तमान समय परमात्मा यह कार्य कर रहे हैं, यह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय निःशुल्क रूप से आध्यात्मिक ज्ञान लोगों को अनवरत रूप से प्रदान कर रही है, जिससे जीवन में बहुत परिवर्तन नजर आ रहा है। वर्तमान समय अनिश्चितता का समय है और व्यक्ति तरह तरह के तनाव और भय से ग्रसित है। उसके जीवन में अनेक परिस्थितियां हैं, है ना, विषम परिस्थितियां हैं, और इसका हल वो ढूंढ रहा है कि अब किस तरह से वो इससे मुक्ति पाए। जब उसे यह कहा जाता है कि थोड़ा समय आध्यात्मिक ज्ञान के लिए निकालिए, तो उसको कहता है मेरे पास तो टाइम नहीं है। वो एक विधि ढूंढ रहा है कि किस तरह से वो इस राजयोग को अपने जीवन में लेकर आ जाए। तो जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भी कहीं पर भी अर्जुन को किसी तरह का यह नहीं कहा गया कि योग अभ्यास करने के लिए उसे अपने गृहस्थ को या जिम्मेवारियों को छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से राज्यों के एक सहज और सरल विधि है कि हम कर्म करते भी योग का अभ्यास कर सके, अपनी बिजी लाइफ में भी इजी रह सके। तो हमारे जीवन में आध्यात्मिकता की आवश्यकता क्या है, तो उसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है कि यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है तो वो मौसम बदलने पर उससे प्रभावित हो जाता है, उसे सर्दी जुकाम हो जाता है, तब वो डॉक्टर से जाकर पूछता है कि ये मुझे क्या हो गया, मुझे ये सब बीमारी क्यों हुई। तो डॉक्टर कहेगा कि अभी वातावरण में वायरल चल रहा है, इसलिए आपको भी हो गया। तो अगर वो व्यक्ति पूछता है कि मेरे घर में जितने सदस्य हैं उनको तो यह बीमारी नहीं हुई, फिर मुझे क्यों हो गई, तो डॉक्टर बहुत ही सहज रूप से जवाब देता है कि आपकी शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति कम है, इसलिए आपको ये बीमारी हुई है। तो इस तरह से फिर वो उसे कई सारे परहेज बताता है ना, उस वायरल को ठीक करने के लिए वो उसे ना एंटीबायोटिक्स भी देता है और साथ में कुछ मल्टी विटामिन्स भी देता है, और उसे कुछ तीन बातें मुख्य रूप से करने के लिए कहता है, ध्यान रखने के लिए कहता है, और यदि वो उस पर ध्यान देगा तो वो फिर से स्वस्थ हो सकता है। तो सबसे पहला है पौष्टिक भोजन, कि भोजन संतुलित हो, पौष्टिक हो, जिससे उसके शरीर को ताकत मिलेगी। फिर दूसरा है आराम, कि यदि वो आराम प्रॉपर तरीके से करेगा तो उसको एक स्फूर्ति का अनुभव होगा। और तीसरा है व्यायाम, कि जब वो निरंतर व्यायाम करेगा, रेगुलरली एक्सरसाइज करता है, तो वो अपने अंदर एक स्फूर्ति का अनुभव करता है, ताजगी महसूस करता है। तो अगर ये तीनों बातों पर वो ध्यान देगा तो एक तो उसकी शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ेगी और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हो जाएगा। तो देखा जाता है कि व्यक्ति का इन तीनों बातों पर बहुत अटेंशन है,
कि वो अच्छी डाइट भी ले रहा है, एक्सरसाइज भी करता है, रेस्ट भी करता है, इसलिए उन्हें महत्व मालूम होने के कारण वो तीनों के लिए समय भी निकाल रहा है। लेकिन आज ये सब कुछ करने के बावजूद भी उसके जीवन में तनाव है, चिंताएं हैं, भय है, तो वो कुछ अधूरापन महसूस कर रहा है। तो इसका कारण क्या है कि आज देखा जाता कि डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि 70% जो बीमारियां हैं उसका कारण है तनाव, और इस तनाव के कारण आज उसकी खुशी गायब होती जा रही है, संबंधों में गलतफहमी पैदा हो रही है, तो वह समाज में रहते हुए भी, अपने परिवार में रहते हुए भी अपने को अकेला महसूस कर रहा है। और वहीं अगर व्यवसायी क्षेत्र में देखा जाए तो आज बहुत ही कंपटीशन है और वो उसे फेस नहीं कर पाता है, तो वो हताश और निराश अपने आप को अनुभव कर रहा है। तो उसके जीवन में जो अधूरापन है वो उसे अंदर ही अंदर खाता जाता है, उसके जीवन में सुख, शांति, आनंद और प्रेम कोसों दूर चला जाता है। तो उसे अब यह अनुभव हो रहा है कि कुछ तो एक कड़ी टूटी हुई है जिससे अगर वो जोड़ेगा तो उसका जीवन पुनः वो आनंदमय जीवन बन सकता है। तो इन सभी का जो हम कहे मूल है वो है हमारी आंतरिक शक्ति, आत्मिक शक्ति। और यह आत्मिक शक्ति जब हमारे अंदर जागृत हो जाती है तो हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो यह जो खूटती हुई कड़ी है यह है आध्यात्मिकता। तो आज के समय में हमें आध्यात्मिकता की अति आवश्यकता है, क्योंकि जब ये परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, जिस तरह से जब व्यक्ति शरीर से कमजोर होता है तो वो अनेक तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, तो इसी तरह से जब हम मानसिक रूप से कमजोर होते हैं तो परिस्थितियां बदलने पर, कुछ बदलाव जब हमारे जीवन में आता है तो वह तनाव में आ जाता है, घबरा जाता है और चिड़चिड़ापन महसूस करने लगता है। वो कहता है मैं यह बात सहन नहीं कर सकता, और इसके लिए फिर अब कोई मल्टीविटामिन्स भी नहीं है, तो फिर उसे वो लगने लगता है कि अब यही मेरे जीवन का हिस्सा बन गया, तनाव इज पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो अब उसके लिए अब वो क्या करें, उसके लिए अब कोई डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकता है। तो अब जब हम इस बात के लिए जागरूक हैं कि मेरे शरीर में कोई रोग नहीं होना चाहिए, शरीर में अगर कोई रोग होता है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाते हैं, लेकिन जब बात आती है मानसिक कमजोरी की, जब ये मानसिक बीमारी हमें आई है तो हम इसका इलाज क्यों नहीं करते, हम इसके प्रति अवेयर क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि तनाव के कारण दिन पे दिन अभी समस्याएं, बातें तो बढ़नी है, इसकी वृद्धि होनी ही है। और आगे चलकर ये कहा जाता है कि दुनिया एक बहुत बड़ा मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगी, तो उसके लिए अब हमें अपने आप पर ध्यान देना है, अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो जैसे डॉक्टर शरीर को ठीक करने के लिए 3 बातों का ध्यान रखने के लिए कहते हैं, तो इस तरह से अब हमें, अब जो अपने आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए भी यह 3 बातों की आवश्यकता है। तो सबसे पहली जो बात है पौष्टिक आहार, तो मन को भी हमें बहुत अच्छी खुराक देनी पड़ेगी, क्योंकि जब वर्तमान समय अति तनाव की परिस्थिति आती है हमारा मन कमजोर है, क्योंकि चारों तरफ नेगेटिविटी है, हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी सुन रहे हैं वो सभी नकारात्मक बातें ही हैं, तो जिसका प्रभाव मेरे मन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पौष्टिक खुराक है वो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही हमें प्राप्त हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके सूक्ष्म प्रभाव को, महत्व को न जानने के कारण आज व्यक्ति कहता है
कि आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। लेकिन अगर हम अपने लिए समय नहीं देते हैं, अपनी आंतरिक शक्ति को नहीं बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे हम कमजोर होने लगते हैं और छोटी छोटी बातें हमें तनाव में ले आती हैं, हमारी चिंताएं बढ़ जाती हैं, भय बढ़ने लग जाता है। तो क्यों ना हम अपने आप को शक्तिशाली बना लें और तनाव से मुक्त रहें। क्योंकि जब व्यक्ति डिप्रेशन के स्टेट में आ जाता है, तो डॉक्टर्स भी उसे पहले दवाई नहीं देते हैं, कहते हैं कि इससे पहले किसी मेडिटेशन सेंटर पर ले जाइए। जब वो स्थिति में आ जाता है, तो उसको मेडिटेशन करना भी बड़ा कठिन लगता है। तो जब हम एक स्वस्थ अवस्था में हैं, अगर इसी समय से हम ना ज्ञान सुने, मेडिटेशन करें, तो हम हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगे, हमें ये सब बीमारियां ही नहीं होंगी। तो ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया तो वो मेडिटेशन नहीं कर सकता है। नहीं, धीरे समय जरूर लगता है और धीरे धीरे वो इस स्थिति से भी उभर सकता है। तो समय देना बहुत जरूरी है। हम कहते हैं समय कहाँ जाता है। जैसे एक बार एक टीचर थे, वो अपने स्टूडेंट्स के सामने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि वो एक कांच का जार लेकर आते हैं और उसमें बड़ी बड़ी गोल्फ की बॉल डाल देते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि क्या इसमें अब कोई जगह बची है। तो बच्चे कहते हैं नहीं, ये तो अब पूरा भर चुका है। तो फिर वो टीचर छोटे छोटे कांच के कंचे लेकर आते हैं और वो उसमें डालते हैं, थोड़ी जगह होती है तो वो भी समा जाते हैं। फिर वो टीचर पूछते हैं बच्चों से क्या अब इसमें कोई जगह है। तो बच्चे कहते हैं नहीं, अब तो कोई जगह नहीं है। तो फिर वो रेती लेकर आते हैं, बालू, और उसमें डालते हैं तो वो भी समा जाता है। फिर उसके बाद पानी लेकर आते हैं तो वो भी समा जाता है। तो इस तरह से वो बच्चों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हम भी अपने जीवन में सारा समय बड़े बड़े काम करते हैं और सोचते हैं अब तो समय नहीं है, लेकिन कई सूक्ष्म कार्य भी उसमें समा जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हम जिस बात को महत्व देते हैं उसके लिए हम जरूर समय निकालते हैं। तो जब हम इस आध्यात्मिक ज्ञान की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, तो उसके लिए समय निकालना भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर दूसरी बात जो आती है, आराम। क्योंकि अक्सर करके हमारे मन को आराम नहीं मिल पा रहा है, हम सारा दिन अपने मन को काम पर लगाए हैं, मन हमारा चलता रहता है, और यहाँ तक कि जब हम सो जाते हैं तो भी मन अपना कार्य कर रहा है, स्वप्नों के रूप में संकल्प विकल्प तो चलते ही रहते हैं। तो जब हम सोकर भी उठते हैं तो हम अपने आप को फ्रेश फील नहीं करते, क्योंकि मन में तो वही संकल्प चलते रहे, रात भर चलते रहे, तो हम अपने को थका हुआ ही महसूस करते हैं। और जब इस थके हुए मन से सारा दिन कार्य करते हैं, तो फिर हमारी एकाग्रता नहीं रहती है, और जिस कारण हमारे कर्मों में वो जो कुशलता होनी चाहिए वो नहीं रहती है। और जब कोई परिस्थिति आती है, कोई बातें आती हैं, तब तो फिर हमारा दिमाग काम करना भी बंद कर देता है, और धीरे धीरे फिर एक हताशा, एक मायूसी, जब हमें बार बार असफलता मिलने लगती है, तो एक स्टेट ऑफ माइंड, एक डिप्रेशन की स्थिति बन जाती है। तो अब जरूरत है अपने मन को भी रेस्ट देने की, और मन का आराम है मेडिटेशन। कि जब हम थोड़े समय के लिए अपने मन को है ना शांत करते हैं, अपने विचारों को शांत करते हैं, तो हमें एक तरह से ना रिलैक्सेशन महसूस होता है और हमारी रचनात्मक शक्ति बढ़ जाती है और क्रिएटिविटी बढ़ती है, जिससे हम परिस्थितियों में भी, अनेक बातों में भी एक सही निर्णय कर पाते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारा मन शांत और संतुलित हो जाता है। फिर तीसरी बात है कि जैसे शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए, स्फूर्त रखने के लिए हम व्यायाम करते हैं, तो ऐसे ही अब हमें मन की एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो मन की एक्सरसाइज है सकारात्मक चिंतन। तो सकारात्मक चिंतन
वो हमें सिखाता है राजयोग। क्योंकि आज जब हमें एक प्रैक्टिस हो गई है कि हर बात में अब हमारे मन में सबसे पहले एक नेगेटिव थॉट आता है, ऐसा हो गया तो इसने ऐसा किया, हाँ ये ऐसा, तो कोई ना कोई क्यों क्या और कैसे का प्रश्न हमारे मन में पहले उठता है। लेकिन जब हम प्रतिदिन आध्यात्मिक ज्ञान का श्रवण करते हैं तो हमें एक प्रैक्टिस होने लगती है सकारात्मक चिंतन करने की कला, वो हमारे जीवन में आने लगती है। तो इस तरह से जब हम इन तीनों बातों का ध्यान रखेंगे तो हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रह सकते हैं। तो यह तीन बातें कौन सी हैं? सबसे पहला है कि हमें अपने मन को भी पौष्टिक आहार देना है। पौष्टिक आहार अर्थात परमात्मा के महावाक्य आध्यात्मिक ज्ञान से इसे भरपूर करना है, तब हमारा मन भी शक्तिशाली अपने को महसूस करेगा और जब कोई नेगेटिविटी आती है तो उस पर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर दूसरा है कि आराम, कि अब मन को भी रेस्ट देने की आवश्यकता है और वो मिलती है मेडिटेशन से, राजयोग के अभ्यास से। और तीसरा है कि हमें प्रतिदिन सकारात्मक चिंतन करना है, अर्थात मन की भी एक्सरसाइज करनी है। तो आप देखेंगे यदि इन तीनों बातों को हम रेगुलर प्रैक्टिस में लाएंगे तो हम हमेशा अपने को मानसिक रूप से स्वस्थ अनुभव करेंगे और कोई भी परिस्थिति आ जाए हम उसके लिए रेडी हैं, हम उसे फेस कर सकते हैं, परमात्मा शक्ति का हम अनुभव कर सकते हैं। तो अब यह प्रश्न उठता है कि ये आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत क्या है, हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कैसे कर सकते हैं और हमें रोज वो खुराक कहाँ से मिलेगी। तो हम ये कहें कि परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वो स्वयं आकर हमको ज्ञान के महावाक्य सुनाते हैं। अभी तक हमने जन्म जन्म अनेक संत महात्माओं की, पुण्यात्माओं की वाणी सुनी, सत्संग किए, लेकिन अभी वर्तमान समय हमें ये श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हुआ है कि स्वयं परमात्मा की वाणी हम सुन सकते हैं और यह वाणी बहुत ही मधुर है। तो मधुरता का अर्थ मुरली, कि परमात्मा वर्तमान समय हमें ज्ञान के महावाक्य सुनाते हैं जिसे हम कहते हैं मुरली। और मुरली का अर्थ क्या है? म अर्थात हम कहें मधुरता, उ माना उपराम, कि मुरली सुनने से हमारी स्थिति उपराम बन जाती है, हम व्यर्थ और नकारात्मक बातों से धीरे धीरे अपने आप डिटैच होने लगते हैं जब हमें वो सकारात्मक चिंतन मिल जाता है। उसके बाद है र, तो र का मतलब है रचता और रचना का ज्ञान, वो हमें स्वयं उस परमात्मा से प्राप्त होता है कि हमने यह जाना कि मैं कौन हूँ, वो परमात्मा पिता कौन है और इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज जाना। तो ये सभी ज्ञान का स्रोत वो परमात्मा पिता, वो सागर। फिर उसके बाद है ल, तो ल का अर्थ है लक्ष्य और लक्षण, कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और उस अनुसार अब हमें क्या लक्षण अपने अंदर धारण करने, कि परमात्मा ने जो हमें श्रेष्ठ लक्ष्य दिया है कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने, तो उस समान हमें लक्षण भी लाने पड़ेंगे कि कैसे हमारे अंदर वो दैवी गुण आए, हमारे बोल हमारे व्यवहार में परिवर्तन आए। क्योंकि जब हम ज्ञान का श्रवण करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक बन जाता है, हमारे व्यवहार में बदलाव आने लगता है। तो मुरली हमें लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने में मदद करती है। फिर ई अर्थात ईश्वरीय सुख, क्योंकि जन्म जन्म हमने इंद्रियों सुखों का अनुभव किया है, अच्छा जीभ को स्वाद, देखने का रस,
बोलने का रस, सुनने का रस, तो यह इंद्रिय सुख को तो हमने अनुभव किया है, लेकिन अब आत्मिक सुख, अति इंद्रिय सुख हमें इस परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के साथ की अनुभूति से हो सकता है। तो यह है मुरली का अर्थ, और मुरली बजाने वाले स्वयं वो परम पिता परमात्मा शिव मधुबन भूमि में ही अपना ज्ञान देते हैं। इसलिए मधुबन, जिसको हम कहे आबू अब्बा का घर है वो, और मधुबन का अर्थ अगर हम देखें तो मधु का अर्थ है मिठास और बन मतलब वैराग्य। तो मधुबन एक ऐसी पावन भूमि है जहाँ पर वैराग्य के साथ साथ मधुरता भी है, और जो अनेक ऋषि मुनियों की कर्म भूमि, तपोभूमि है, तो ऐसी पावन भूमि पर परमात्मा की मुरली बजती है, और हम सभी वो सच्ची सच्ची गोप गोपियां हैं जो परमात्मा की जब मुरली सुनते हैं तो बिल्कुल मगन हो जाते हैं, वो अतींद्रिय सुख का हम अनुभव करते हैं। तो परमात्मा की मुरली में तो जादू है कि परमात्मा मनुष्य को देवता बनाते हैं इस मुरली के आधार से। तो मुरली का हमें महत्व समझना है कि मुरली सुनने से हमें क्या लाभ होगा। तो मुरली एक तरह से परमात्मा का प्यार भरा पत्र है। जब कहते हैं जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे तो वो इंदिरा गांधी जी को पत्र लिखा करते थे, जिससे उन्होंने राजनीति के कई सारे रहस्य समझे और उसे अच्छी तरह जाना, और फिर उन्हें आयरन लेडी के नाम से आज जाना जाता है। तो वो पत्र कितना काम करते थे। तो इस तरह से परमात्मा भी रोज हमें वो प्यार भरा पत्र देते हैं, और इसके सुनने से, जिसको हम जब सुनते हैं तो हमें भी इस सृष्टि के कई रहस्य समझ में आते हैं, कर्मों की गुई गति का राज समझ में आता है, और जीवन में जो परिस्थितियां आ रही हैं तो उसका हम सामना कैसे करें, अपने अंदर की कमी कमजोरियों को हम कैसे निकालें। तो मुरली एक अनमोल खजाना है जो परमात्मा ने आकर हमें दिया है, और यह खजाना हमें कहीं से भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इस खजाने को कोई भी चोर नहीं चुरा सकता है। ये मुरली अगम निगम का भेद खोलती है। तो मुरली एक तरह से हमारे लिए दर्पण भी है कि जिस तरह से हम दर्पण में अपने आप को देखते हैं और अपने आप को ठीक करते हैं, तो इस तरह से जब हम ज्ञान रूपी दर्पण में अपने को देखते हैं तो अपने अंदर के जो कमी कमजोरी है उसको निकाल कर आत्मा का सच्चा श्रृंगार गुणों से करते हैं। तो मुरली हमारे लिए तीसरा नेत्र है, ज्ञान अंजन देने वाला है, जो हमारी तीसरे नेत्र को खोल देता है। तो जब भी मन में कोई उलझन आती है, कोई बात आती है, कोई प्रश्न होता है, तो मुरली उसका सीधा सीधा उत्तर देती है। कि हमें अनुभव होता है कि मन में कोई प्रश्न है, हम उस परमात्मा को जब पूछते हैं तो उसका उत्तर हमें तुरंत मुरली में ही प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे मुरली के तो अनेका अनेक हम कहें फायदे हैं, और मुरली से ही हमें वो मार्ग दिखता है कि हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कैसे करें, स्वाध्ययन कैसे करें, और मुरली के चिंतन से जो नकारात्मक चिंतन है, व्यर्थ चिंतन है, वो अपने आप ही समाप्त होने लगता है। तो इस तरह से अब ये मुरली सुनना, क्योंकि आज कई लोग ये पूछते हैं कि हमें मुरली कैसे सुनना है, और हमने तो कई तरह से मीडिया में, आज यूट्यूब में भी कई तरह से प्रवचन आते हैं, लेकिन जो एक आध्यात्मिक वातावरण हमें प्राप्त होता है वो है सेंटर, जो में परमात्मा वो स्रोत कौन है वो मालूम पड़ता है, कि ये सभी जो ज्ञान का विस्तार तो हो रहा है लेकिन इन सब का स्रोत कौन है, ज्ञान दाता कौन है, वो स्वयं परमात्मा है। तो उससे कनेक्शन जोड़ने का आधार है मुरली। मुरली तो डायरेक्ट उस परमात्मा के महावाक्य हैं।
तो जब हम एक सेंटर पर आते हैं तो वहाँ हमें एक ऐसा आध्यात्मिक माहौल मिलता है, एक साधन मिलता है जिससे बहुत ही जल्दी हम परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वो घर में भी वो बातें पढ़ सकते हैं, लेकिन स्कूल में उन्हें एक एनवायरनमेंट प्राप्त होता है। तो ऐसे ही सेंटर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हमारी ईश्वरीय पढ़ाई होती है, यह भी एक विश्वविद्यालय है जहाँ पर रोज़ हम पढ़ते हैं। तो इस तरह से अभी जो परिस्थितियाँ हैं तो जब ये समाप्त हो जाएंगी तो हम अवश्य सेंटर पर आकर के मुरली सुने, तो इससे आप देखेंगे हमें अपने जीवन में बहुत लाभ होगा। और 1 घंटा हमें ये अपने लिए समय देना है, तो अब देखेंगे कि हमारे जो 24 घंटे हम पावरफुल पॉजिटिव रहेंगे, कोई भी नकारात्मक बातें हमारे ऊपर असर नहीं करेंगी। तो ये जो हमने कोर्स सुना आत्मा परमात्मा राजयोग के बारे में, तो यह समाप्त नहीं हुआ क्योंकि अब तो हमारी पढ़ाई शुरू हुई है। इस ज्ञान को जब हम अपने जीवन में लाएंगे, आचरण में लाएंगे, इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। क्योंकि जैसे आज कोई डॉक्टरेट की पढ़ाई पढ़ता है, MBBS कर लिया, लेकिन उसके बाद अगर उसने उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो व्यर्थ है। तो इस तरह से हमने भी जो कोर्स सुना उसमें केवल हमने अभी लक्ष्य को जाना है, अब उस अनुसार अब मुझे कैसे अपने जीवन में इस ज्ञान को अप्लाई करना है और अपने जीवन में उन्नति को पाना है। तो इस तरह से रोज परमात्मा आकर के हमें मीठी मीठी शिक्षाएं देते हैं, ज्ञान की मुरली सुनाते हैं, और इस मुरली में हमें वो खजाना प्राप्त हो जाता है जिसका सारा दिन हम मनन करते रहेंगे, तो कभी भी कोई व्यर्थ कोई नेगेटिव आने की मार्जिन नहीं है। तो हमें रोज़ की मुरली मधुबन भूमि से प्राप्त होती है, डेट वाइज मुरली चलती है, और मुरली भी 2 प्रकार की होती है, एक साकार मुरली और एक अव्यक्त मुरली। साकार मुरली अर्थात जो परमात्मा शिव ब्रह्मा के तन में आकर सुनाते हैं वो कहलाती है साकार मुरली, जो 1969 तक चली, लेकिन उसके बाद जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए तो उसके बाद जो मुरलियाँ चलती हैं वो कहलाती हैं अव्यक्त मुरली। तो साकार मुरली में सबसे पहले वो परमात्मा शिव हमें प्यार से संबोधित करते हैं, मीठे बच्चे, क्योंकि आज समय में आज ऐसा कोई पिता नहीं होगा जो रोज़ अपने बच्चे को मीठे बच्चे कहे, लेकिन हम सब उसके बच्चे हैं और प्योर हैं, तो वो हमें बार बार स्मृति दिलाते हैं कि मीठे बच्चे। फिर वो परमात्मा हमारा शिक्षक है तो हमें वो प्रश्न भी पूछते हैं, उसके बाद उसका उत्तर भी हमें मिलता है, और फिर 4 पेज की मुरली होती है, और लास्ट में क्योंकि पूरी मुरली तो हमें याद नहीं रहेगी लेकिन उसका जो सार है एसेंस है वो हमें प्राप्त होता है 2 लाइनों में, और उसके बाद परमात्मा हमें रोज वरदान भी देते हैं, क्योंकि वरदान को प्राप्त करने के लिए ही ऋषि मुनियों ने कितनी तपस्या की, और परमात्मा हमें सहज रूप से वो वरदान देते हैं, और उस वरदान को अब हमें फलीभूत करना है, उसका डिटेल भी हमें समझाते हैं, और लास्ट में होता है स्लोगन। जैसे आज बच्चे जब मार्च पास करते हैं तो स्लोगन रिपीट करते हैं जिससे उनके अंदर उमंग उत्साह बढ़ता है, तो इस तरह से सारे दिन के लिए भी हम एक स्लोगन हमें मिल जाता है जो बार बार हमें रिवाइज करना है। तो इस तरह से ये साकार मुरली और अव्यक्त मुरली जो सिर्फ संडे को चलती है और उसमें सबसे ऊपर होती है हेडिंग, तो उसमें है कि जो भी पूरी मुरली उसका टाइटल और उस अनुसार ही उसका पूरा विस्तार होता है, उसमें भी फिर वरदान और स्लोगन, और मुरली के एंड में चाहे वो अव्यक्त मुरली हो चाहे वो साकार मुरली हो, उसमें परमात्मा हम बच्चों को याद और प्यार देते हैं। याद प्यार
मीठे मीठे सिखिल दे बच्चे। सिखिल दे का अर्थ होता है लाडले, सिंधी वर्ड है, क्योंकि मुरली में आप सुनेंगे उसमें कुछ सिंधी वर्ड भी होते हैं, इंग्लिश के भी होते हैं और कुछ उर्दू के भी होते हैं। तो किस भी तरह से हमें वो परमात्मा के सहज महावाक्य समझ में आए, तो इस तरह से बाबा कहते हैं मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति, हम उसके लाडले बच्चे हैं क्योंकि हम 5,000 वर्ष से उससे अलग हुए हैं। तो वो हमें प्यार से कहते हैं लाडले मीठे बच्चे, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा, बाप दादा अर्थात शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का कंबाइंड स्वरूप, बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूह मतलब आत्मा, तो परमात्मा हमारे रूहानी पिता और हम आत्माएं उनके रूहानी बच्चे हैं। तो जैसे आज हम किसी को कुछ कहते हैं तो वो हमें रिस्पॉन्स देता है, ओम शांति, हम सभी ओम शांति बोलते हैं क्योंकि ओम शांति का अर्थ है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये स्मृति हमें आनी चाहिए, सामने वाली भी एक शांत स्वरूप आत्मा है, और इस स्मृति में रहकर हम ये ओम शांति का शब्द उच्चारित करते हैं, तो सामने वाले से भी हमें रिस्पॉन्स मिलता है ओम शांति। दुनिया में भी आज कई कहेंगे राम राम तो उसका रिस्पॉन्स राम राम कहते हैं। तो इस तरह से जब परमात्मा हमें याद प्यार देते हैं तो हम भी उसका रिस्पॉन्स याद प्यार परमात्मा को भेजते हैं कि हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। तो इस तरह से हमें रोज के लिए एक होमवर्क मिल जाता है, मन को एक पॉजिटिव चिंतन मिल जाता है, तो हम कभी भी फिर कोई समस्या आने पर, कोई परिस्थिति आने पर उस ज्ञान के शस्त्र को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम कहें कि ये मुरली सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है, इसमें परमात्मा हमें गीता का सार सुना रहे हैं, ये सभी वेदों शास्त्रों का सार है, जहाँ हमें हमारी हर एक समस्या का हल प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे उस परमात्मा के मधुर महावाक्यों का हम अवश्य श्रवण करें, और इससे हम देखेंगे कि हमें चमत्कारिक परिवर्तन अपने अंदर महसूस होगा, क्योंकि ये महावाक्य किसी मनुष्यात्मा के नहीं है, ये स्वयं उस परमात्मा के हैं। तो परमात्मा हमें ज्ञान देने के साथ साथ वो शक्ति भी देते हैं जिससे हम इसे अपने जीवन में धारण कर सकें। तो हम परमात्मा के कुछ महावाक्य आज सुनते हैं कि ये मुरली है 31 दिसंबर की, इसमें बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करो, ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा। कि परमात्मा का ज्ञान जो हमें मिला, अब उसके बाद जो स्टेप आता है सुनने के बाद वो है मनन करना। जितना हम ज्ञान का मनन करेंगे उतना हमें अमृत मिलेगा, क्योंकि आप जैसे पानी को मथने से हमें कुछ प्राप्ति नहीं होगी, तो इस तरह से मन में मंथन तो चलता ही है, या तो हम व्यर्थ संकल्पों का मंथन करें या समर्थ संकल्पों का मंथन करें, यह हमारे ऊपर है। तो परमात्मा के महावाक्यों का मंथन करना, जिस तरह से सागर मंथन से कई तरह की चीज़ें निकली, विष भी निकला, अमृत भी निकला, तो जब विष निकला तो वो शंकर जी के पास उसे दिया गया और शंकर जी ने उसे धारण कर लिया, तो अमृत फिर देवताओं को प्राप्त हुआ। तो जब भी हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो कई तरह के विचार हमारे मन में आएंगे, लेकिन अब हमें उससे घबराना नहीं है, विष भी निकलेगा घबराना नहीं है, वो स्वयं परमात्मा को अर्पण करके कि ये मेरे काम के विचार नहीं, उसे अर्पण करके पुनः अपने अभ्यास में हम लग जाएं
और धीरे धीरे आप देखेंगे कि अब आपकी अवस्था ऊपर जाएगी और आप पॉजिटिव चिंतन करने लगेंगे। फिर प्रश्न, 21 जन्मों के लिए मालामाल बनने का साधन क्या है? कि आज दुनिया में भी कई लोग ये ट्रिक्स बताते हैं कि कैसे आप तुरंत मालामाल बन जाएं। तो परमात्मा कहते हैं 21 जन्मों के लिए मालामाल बनना है तो उसका साधन क्या है? उत्तर, ज्ञान रतन। कि परमात्मा हमें जो रोज ज्ञान रतन देते हैं मुरली के माध्यम से, तो वही आधार है मालामाल बनने का। कि जितना तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान रतन धारण करते हो उतना मालामाल बनते हो। अभी के ज्ञान रतन वहां हीरे जवाहरात बन जाते हैं। जब आत्मा ज्ञान रतन धारण करे, मुख से ज्ञान रतन निकाले, रतन ही सुने और सुनाए, तब उनके हर्षित चेहरे से बाप का नाम वाला हो, आसुरी गुण निकले तब मालामाल बने। फिर परमात्मा हमें याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और इस मुरली का जो सार है, पहली पॉइंट दो लाइनों में होता है। पहली पॉइंट है कि अपनी साहूकारी पोजीशन आदि का अहंकार मिटा देना है, क्योंकि आज व्यक्ति को इन सब का बड़ा अभिमान रहता है, लेकिन यह अभिमान ही उसकी पतन का जड़ है। तो जब हमने यह महसूस कर लिया है कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर, उसके साथ जुड़ी हुई जो पोस्ट पोजीशन है, ये सब भी विनाशी है, तो सहज रूप से हमारा यह अहंकार मिट जाता है। अविनाशी ज्ञान धन से स्वयं को मालामाल बनाना है। फिर दूसरी पॉइंट है, वातावरण को अच्छा रखने के लिए मुख से सदैव रतन निकालने हैं। कि आज व्यक्ति के मुख से जब अशब्द निकलते हैं, कटु वचन निकलता है, तो घर का माहौल कैसा हो जाता है, कितना भारी हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि जब भी हमारे मुख से कोई शब्द निकले तो वो रतन निकलना चाहिए, ज्ञान की बातें निकले, और वो बातें निकले जिससे सामने वाले को सुख मिले, फायदा मिले, दुख देने वाले बोल ना बोले, यह ध्यान रखना है, हर्षित मुख रहना है। ये एक दैवी गुण है कि जिस तरह से देवताओं का चेहरा सदा हर्षित मुख रहता है, तो ऐसे हमें भी सदैव हर्षित मुख रहना है। आज का वरदान है, सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करते, वाह वाह के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। किस वर्तमान श्रेष्ठ समय चल रहा है, कल्याणकारी समय, और ऐसे समय में परमात्मा हमें श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं, और जब हमारे श्रेष्ठ कर्म होते हैं तो स्वतः हमारे अंदर से वाह वाह का गीत निकलता है। तो ऐसे वाह वाह के गीत गाने वाली आत्मा हमेशा के लिए, सदा के लिए भाग्यवान आत्मा बन जाती है। इसका विस्तार है, इस श्रेष्ठ समय पर सदा श्रेष्ठ कर्म करते, वाह वाह के गीत मन से गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म, वाह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाला बाबा। क्योंकि श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाला कौन है? बाबा है। तो सदा वाह वाह, अब हाय हाय के गीत नहीं, अब वाह वाह के गीत। तो गीत गाओ, कभी गलती से भी दुख का नजारा देखते भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए, वाह ड्रामा वाह, और वाह बाबा वाह। जो स्वप्न में भी नहीं था वह भाग्य घर बैठे मिल गया ना? कि अभी तो ऐसा समय है तो हम घर बैठे ही यह ज्ञान सुन रहे हैं, तो घर बैठे हमको परमात्मा का परिचय मिल गया, ज्ञान मिल गया, तो हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं, भाग्यवान आत्माएं। तो इसी भाग्य के नशे में रहो। स्लोगन, मन बुद्धि को शक्तिशाली बना लो,
तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। कि अब इस ज्ञान योग के द्वारा जब हमारी मन और बुद्धि शक्तिशाली बन गई, तो कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी बात आए, हमारी स्थिति अंगद के समान अचल और अडोल बन जाती है। हमारे अंदर की कमजोरी समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से मीठे शिव बाबा की ये मीठी मुरली सुनने से हमारा जीवन भी मीठा बन जाता है, और हम अपने व्यवहार से, अपने बोल से, अपने आचरण से सबको सुख देते हैं, और हमें सबकी दुआएं प्राप्त होती हैं। तो अब अवश्य हमें आगे भी इस तरह से मुरली को ज़रूर सुनना है, और मुरली सुन करके अपने जीवन में उसको धारण भी करना है। तो आइए हम सभी उस प्यारे पिता परमात्मा की मधुर स्मृति में चलते हैं। ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ, त्रिकुटी तख्त पर विराजमान, चमकता हुआ सितारा। मुझ आत्मा का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। परमात्मा ज्ञान के सागर उस ज्ञान के सागर से मुझे जो श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इस ज्ञान से मेरे अंदर की सारी कमजोरियां, अंधकार नष्ट हो रहा है। अब मेरा ज्ञान का नेत्र जागृत हो गया है। शिव बाबा के ज्ञान से मेरे जीवन में परिवर्तन आ रहा है। अब हर परिस्थिति में मैं अचल अडोल बन रही हूँ। मेरे पास ज्ञान के शस्त्र हैं, जिससे मैं सदा विजयी बनती हूँ। परमात्मा आप ही मेरे परम शिक्षक हैं। आप मुझे परम धाम से आकर पढ़ाते हैं। इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं।
ऐसे परम शिक्षक को पाकर मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई। मैं संगम युग में सबसे भाग्यवान आत्मा हूं जो स्वयं परमात्मा मेरा टीचर बन गया है। मैं वर्ल्डली स्टूडेंट हूं। अब मेरा ये अपने आप से वायदा है कि मैं परमात्मा की पढ़ाई अवश्य पढ़ूंगी, परमात्मा के महावाक्य मुरली को अपने जीवन में धारण करूंगी और अपना जीवन श्रेष्ठ बनाऊंगी। ज्ञान का चंदन मेरे जीवन को सुगंधित करता है। ये ज्ञान के मनन से मेरा मन सदैव हर्षित रहता है। सिमर सिमर सुख पाओ। ओम शांति शांति। चमत्कारी प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, ओ चमत्कारी 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 चमत्कारी। प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, तुम्हारी मुरली हमें लगे बड़ी प्यारी प्यारी, हो चमत्कारी।